सो गाइस, सेपरेटर मशीन तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सेपरेटर ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद से हम सोचते हैं कि नया ख़रीदें या फिर क्या करें। तो ऐसे में आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, तो आज हम जानेंगे कि अगर सेपरेटर ख़राब हो जाता है, पहले तो देख लीजिए सेपरेटर, हमारा मशीन देख लीजिए, ये सेपरेटर है और ज़्यादातर लोग इसी सेपरेटर का यूज़ करते हैं। आप किसी भी वीडियो देख लेंगे कोई सा भी शॉप का, तो ज़्यादातर अमूमन आपको यही दिखेगा, और जो एकदम डिस्प्ले लेवल का वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके पास एक सेपरेटर ये दिख जाता है जो कि फोल्डिंग वाला रहता है, ये चारों तरफ घूमता है और इसको मोबाइल को भी यहाँ पे डायरेक्ट अटैच करके इसमें वर्क किया जा सकता है। इसकी बहुत जल्द वीडियो दूंगा, दोनों में क्या अंतर है, क्या बेनिफिट है इसमें, इसमें कितना फ़र्क है, एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो उस पर भी एक वीडियो मैं बता के आपको दे दूंगा। तो मेन सेपरेटर ये होता है और इसका कोई खास मैकेनिज्म नहीं है, बहुत ही अंदर से ईजी है, इसको यूज़ करना बनाना सब कुछ बहुत ईजी है। तो एक डिटेल में आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या होता है, फंक्शन कैसे वर्क करता है और किस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट दे पाएँ। अब मान के चलिए मशीन ख़राब होगा, या तो आप नया लोगे या फिर कहीं भेजाओगे बनाने के लिए, तो जब अगर आप खुद रिपेयर करना जानते हो मोबाइल और ये रिपेयर नहीं करोगे तो फिर अटपटा सा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए कि आपका जितना भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो सामान, तो एक तरह से आप मोबाइल रिपेयरिंग दुकान खोले हो और ये कंपोनेंट भी तो रिपेयर करना आपको आना चाहिए, इसका मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसको रिपेयर करना बहुत आसान है और इसके अंदर के जो कंपोनेंट है वो भी कोई खास नहीं है, बस एक दिक्कत आ सकती है आपको कि हो सकता है इसका कोई सामान ख़राब हो गया, तो मार्केट में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये थोड़ी सी इशू हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने होलसेलर से बात करेंगे तो ये आपको आसानी से मिला सकते हैं, जहाँ से आप अपना सामान मंगाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये पूरा सेटअप है इसका, और ये है हमारा सेपरेटर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो इसी कंपनी का सेपरेटर ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, और ज़्यादातर यही सेपरेटर आपको किसी भी शॉप पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के इसके नट्स हैं जो कि हमें खोलने पड़े थे, और ये आपको मोबाइल वाले जो टूल्स हैं मोबाइल खोलने वाले उससे तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे, मतलब खुलेंगे। तो मैंने बहुत सारे टूल ट्राई करके देखे लेकिन ये इतनी हार्ड टाइट थी कि किसी भी टूल से नहीं खुला। फिर हम अपने स्कूटी यानी कि अपने गाड़ी से, ये वाले आपके हर गाड़ी में ये रहता है, इसको हम ले के निकाल के लाए और इससे जब हमने खोला तो सारे आसानी से खुल गए। तो ये दिक्कत थी, इतने सारे नट हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, और इसके अलावा तीन यहाँ पे, और इसके अलावा तीन यहाँ पे, इन सभी को हमने खोला। खोलने के बाद से हमारा जो सेपरेटर है वो अभी अलग हो चुका। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है, और अगर मान के चलिए कि ये ख़राब हो जाते हैं तो आप कैसे इसको बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले खोल लिया हूँ, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये नट, ये वाला वायर, सॉरी ये पाइप जो है यहाँ पे लगा रहता है। तो सबसे पहले बेसिक मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ये लगा है इसका वैक्यूम, यानी कि ये जो वैक्यूम खींचता है ये मोटर है, डीसी मोटर, और ये यहाँ पे वैक्यूम जनरेट करता है। तो ये आप सामने देखिए इसका सेपरेटर है जो हीटिंग के काम आता है, और वैक्यूम भी इसी के अंदर लगा है। ये दो पट्टियों के बीच में आपको एक रबड़ की वो दिखेगी पट्टी, इसमें रबड़ की लगी रहती है जो कि लीकेज ना हो। तो ये बीच में गैपिंग रहता है और गैपिंग में रबड़ लगा दिया जाता है कोने कोने पर, ताकि दोनों चिपका के, ताकि इसके अंदर से हवा पास ना हो और ये अच्छे से वैक्यूम क्रिएट कर सके। और दोनों पट्टी के बीच में यहाँ पे नीचे वाले पट्टी में इसके हीटिंग सील लगा रहता है जो कि हीट करता है। और इसमें आपको चार वायर देखने को मिलेगा, एक तो इसका सेंसर लगा रहता है हीटिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। आप टेम्परेचर जब सेट करते हैं तो इस सेंसर के जरिए सेट होता है। तो यहाँ पे दो वायर है आपका मेन मोटा वाला जो कि आपका ये हीटिंग के लिए होता है, और एक वायर आता है जो एक ही साथ दोनों में रहता है, ये देखिए ये वाला जो डायरेक्ट आपका यहाँ पे जाकर फिट हो जाता है, ये वाला जो रहता है सेंसर के लिए रहता है। मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो अगर मान के चलिए कि आपके कोई हीटिंग वगैरह इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, हीटिंग वाला तो ख़राब नहीं हो गया, अगर ख़राब हो गया तो उसको चेंज कर दीजिए मंगा के, फोटो वगैरह खींच के अपने होलसेलर से। और अगर मान के चलिए कि वो ठीक है, वैक्यूम नहीं क्रिएट हो रहा, तो आप मोटर वगैरह चेक करिए कहीं से दिक्कत है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और ये आपका पाइप वगैरह फट जाता है तो भी इसे दिक्कत आता है, कई बार क्या होता है पाइप में अगर बाई चांस हो जाए यहाँ पे लीकेज वगैरह हो जाए तो अच्छे से वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इसको चेंज करा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की,
तो यहाँ पे आपका स्विच लगा है और मेन सप्लाई लगा है, यहाँ से स्विच से आपका चालू होता है और डायरेक्ट ये मेन सप्लाई से ज्वाइंट है और ये डायरेक्ट करंट आता है इसके अंदर। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर में आपको एक मिलेगा पावर सप्लाई, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, एसी इनपुट 110 से 220 वोल्ट तक लेगा एंड इसको बाद से ये डीसी आपको 2 एम्पीयर 12 वोल्ट जनरेट करेगा, यानी कि ये पावर सप्लाई है इसका। और हर जितने भी कंपनी के आपका सेपरेटर आता है उस सभी में ये चीज़ें लगी होती हैं सेपरेटर में। तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई इसका है जो कि यहाँ पे सबसे मेन काम करता है डीसी एसी को डीसी बदलने में, और एसी से डीसी बदलने में सबसे मेन इसका होता है ट्रांसफार्मर काम, यही होता है जिसमें कॉयलें लगी होती हैं जो कि वोल्टेज को डिक्रीज करता है, और डीसी से बदलने का काम ये करता है। ये आपका डायोड, चार डायोड को कनेक्ट किया गया है और इसी के जरिए ये डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, और डीसी होने के बाद से ये वोल्टेज को डाउन कर देता है, 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है काम करने का। इसके बाद से यहाँ से पावर सप्लाई डायरेक्ट निकल के इसमें आती है और ये बोर्ड आपका डिस्प्ले है। इसके अलावा यहाँ पे बीप साउंड लगा है एक ठन, और इसके अलावा यहाँ पे एक देख सकते हैं रिले लगा है, और ये सारी चीज़ें आपका डिस्प्ले में दिखाने का, सेटिंग का, टाइमिंग वगैरह का काम करती हैं। और मेन हमारा एक मोटर लगा है जो कि यहाँ पे वैक्यूम को जनरेट करता है, और इसे एक रबड़ बैंड से टाइट कर दिया गया है ताकि ये हिले डुले नहीं। और यहाँ पे इसका देख सकते हैं छेदा जो हवा को खींच के यहाँ से सक करता है और यहाँ से सीधा बाहर कर देता है, तो यहाँ से आपको हवा फेंकता है, यहाँ से खींचता है, इसमें का हवा खींच के यहाँ से ढकेल के बाहर करते रहता है, तो आपका वैक्यूम क्रिएट होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। तो अगर आपकी पावर सप्लाई में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से इसको रिपेयर कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आती है तो। और इसके अलावा अगर इसमें कोई दिक्कत है डिस्प्ले वगैरह में, टाइमिंग वगैरह में, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। और ये आपका वैक्यूम चालू करने का स्विच है और यहाँ पे आपको सेटिंग करने का रहता है। और अगर मान के चलिए कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपका टेम्परेचर कुछ हद तक बढ़ के रुक जाता है, तो ऐसे में क्या ये लूज कनेक्शन की वजह होता है, आप एक बार खोल के कनेक्शन वगैरह निकाल के फिर से साफ करके लगा देंगे तो आपका जो हीटिंग टेम्परेचर एक ही जैसा रहता है, बढ़ता नहीं है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। कई बार क्या वीडियो में ढूंढेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म, ये तरीका है आपका, अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप एक बार सभी कनेक्शन को निकाल के अच्छे से लगा के इसको आप ठीक कर सकते हैं। बाकी कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ, कुछ हो गया, तो आप उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा था सेपरेटर मशीन जो कि यूज़ में लोग काफ़ी लेके आते हैं, और सबसे ज़्यादा यही सेपरेटर यूज़ होता है और बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं कि आप इसको रिपेयर नहीं कर पाएँ, बहुत इजी तरीके से आप रिपेयर कर पाएंगे। बस सुविधा दिक्कत होती है कि आपको सामान इसका मिल जाए, जैसे अगर कोई फॉल्ट हो गया, कोई चीज़ें जल गई है, कोई कंपोनेंट इसके अंदर कुछ भी, तो आप उसको मंगाएं तो आपको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और मान के चलिए पाइप वगैरह फट जाए तो आप उसको भी, अगर आपको मिल जाए सहूलियत से, तो आप इसको भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये सभी आपको OCA मशीन में भी देखने को मिल जाएंगी, ये OCA में भी ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, पाइप वगैरह सब OCA मशीन में भी दिया जाता है, क्योंकि ये सारा वैक्यूम का काम OCA में भी होता है। और यहाँ पे ये जो वायर है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वायर होती है, क्योंकि ये मेन हीटिंग वायर है इसलिए थोड़ा इसको हार्ड बनाया गया और यहाँ पे जॉइंट किया गया अलग से ताकि ये वायर मेल्ट ना करे। तो ये इस ये जो जो कंपोनेंट है सारे इस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ सर्किट नहीं, एक मेन सर्किट है, एक दूसरा दो सिर्फ सर्किट है, मतलब मदरबोर्ड है सिंपल सा सर्किट डायग्राम के जरिए, और बाकी आपका दो कंपोनेंट है, बस इतने में ही पूरा सर्किट तैयार हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेपरेटर आपको पसंद आया होगा। हाँ, अगर आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत आती है सेपरेटर में, आपको नहीं रिपेयर करने होता है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप एक महीने, दो महीने, साल भर, जितने दिन बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अगर कभी भी कमेंट करेंगे तो कमेंट हमारे पास शो करता है, तो हम उसका सलूशन आपको ज़रूर देंगे। तो आप बिंदास रहिए, आपको अगर कोई भी सेपरेटर ख़राब हो रहा है, कोई भी इशू आ रही है, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब आप सब्सक्राइब करते हो तो खुशी मिलती है, ताकि हमें लगता है कि हाँ हमारी मेहनत थोड़ी बहुत काम आ गई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।